चुनाव से पहले भाजपा का गिरा एक और बड़ा विकेट। दो दर्जन से ज्यादा नेताओं ने फेंका अपना इस्तीफा। तमिलनाडु बीजेपी आईटी विंग के सचिव दिलीप कन्नन ने सोमवार को राज्य के नेताओं पर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। दिलीप कन्नन ने बीजेपी के आईटी विंग के प्रमुख सीटीआर निर्मल कुमार के इस्तीफे देने के एक दिन बाद अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्विटर पर अपने इस्तीफे की घोषणा की। कन्नन ने कहा कि जब केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने पार्टी का नेतृत्व किया तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि कई नेता बीजेपी में शामिल हों। उन्होंने अपने पोस्ट में पूछा, क्या अन्य दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने की एक ऐसी कोई घटना है? रविवार को बीजेपी तमिलनाडु इकाई के आईटी सेल के प्रमुख सीटीआर निर्मल कुमार ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई पर निशाना साधते हुए इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे की घोषणा करने के कुछ घंटे बाद उन्होंने अन्नाद्रमुक के अंतरिम प्रमुख के पालनी स्वामी से मुलाकात की और इनकी पार्टी में शामिल हो गए। निर्मल कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किए गए एक बयान में पार्टी के राज्य नेतृत्व पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने अन्नामलाई पर कई लोगों के निगरानी कराने का भी आरोप लगाया। कुमार ने कहा, अपनी पार्टी के सदस्य और पदाधिकारियों के निगरानी पर खुशी मनाने से ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2019 में जैसी थी, अन्नामलाई के बागडोर संभालने के बाद उसकी 20% भी नहीं रह पाई है। बाद में उन्होंने यहाँ पालनी स्वामी से मुलाकात की और अन्नाद्रमुक शामिल हो गए। वहीं कन्नन ने कहा, अन्नामलाई का काम उन लोगों को नीचा दिखाना है जिन्होंने इतने वर्षों तक पार्टी के लिए काम किया है। 90% पदाधिकारियों को पता है कि जो मैं कह रहा हूँ वह सच है, लेकिन सोशल मीडिया के मित्र अन्यथा अर्थ लगाएंगे। चलो इंतजार करते हैं और देखें कि मेरे जैसे ये वॉर रूम गुट कितने दूर भगाएंगे।